ऑक्सीजन की कमी से मौतें तो आपने सुनी होंगी, लेकिन कभी सोचा है कि अगर धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? हम सभी जानते हैं कि इंसानों के अलावा धरती पर मौजूद सभी जीवों के लिए ऑक्सीजन बेहद जरूरी है। ऑक्सीजन के कारण ही धरती पर इंसानों और करोड़ों जीव जंतुओं का अस्तित्व मौजूद है। अगर ऑक्सीजन सिर्फ 5 सेकंड के लिए हटा दी जाए तो तबाही मच जाएगी। बड़ी बड़ी गगनचुंबी इमारतें तुरंत ही राख में बदल जाएगी, क्योंकि ऑक्सीजन के न होने से कंक्रीट का बिल्डिंग नेचर ही खत्म हो जाएगा। आग नहीं जलेगी, सारी गाड़ियां और दूसरी मशीनें बंद हो जाएंगी। लेकिन क्या कभी सोचा है कि अगर धरती पर ऑक्सीजन की मात्रा दोगुनी हो जाए तो क्या होगा? इंसानों और अन्य जीवों पर इसका क्या असर होगा? मौजूदा समय में धरती पर 21% ऑक्सीजन मौजूद है, लेकिन सोचिए अगर ये बढ़कर दोगुना हो जाए तो। साइंस एक्सपर्ट के मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो हमारी धरती बिल्कुल अलग ही रूप में नजर आएगी। पृथ्वी पर मौजूद करोड़ों जानवर 2 से 3 गुना विशाल हो जाएंगे। इसे ऐसे समझे कि छोटे छोटे कीड़े भी आपको विशाल मकड़ी की तरह दिखेंगे, मकड़ी चूहे की तरह और चूहे खरगोश के साइज के हो जाएंगे। पौधों की बात करें तो धरती पर मौजूद सबसे लंबे पेड़ भी विशालकाय हो जाएंगे और बादलों को छूते नजर आएंगे। इंसानों पर भी इसका असर होगा। हर इंसान लगभग 2 मीटर यानी तकरीबन 7 फीट और लंबा हो जाएगा। इतनी ताकत आ जाएगी कि वह पुरानी फिल्मों में दिखाए गए हल्क की तरह नजर आने लगेंगे। न्यूट्रोफिल में हानिकारक वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की क्षमता बढ़ जाएगी। पेट्रोल और डीजल से चलने वाली गाड़ियां बिना फ्यूल के ही चलने लगेंगी। कागज के पेपर प्लेन जिसे बच्चे उड़ाया करते हैं उस पर भी आप मिलो सफर कर पाएंगे, बट सबसे बड़ा खतरा होगा कि आग काफी तेजी से लगेगी। हालांकि ऑक्सीजन विषाक्तता की स्थिति भी आ सकती है, जिससे कोशिकाओं में बड़े पैमाने पर हानिकारक ऑक्सीकरण होगा, इससे मृत्यु भी हो सकती है। अगर आपको लग रहा है कि यह सही नहीं है तो जान लीजिए आज से करीब 300 मिलियन साल पहले बिल्कुल ऐसा ही हाल था। उस वक्त धरती पर ऑक्सीजन का स्तर करीब 30% था। पुरातात्विक रिसर्च से पता चला है कि तब जीव ज्यादा विशालकाय और ताकतवर हुआ करते थे। बता दें कि ऑक्सीजन हमारे शरीर के आकार, मस्तिष्क का साइज, उसके विकास का आधार है। हमारी बॉडी में जितने भी ग्लूकोज रेड ब्लड सेल्स बनते हैं सब ऑक्सीजन की वजह से ही बनते हैं। अगर इन्हें ज्यादा ऑक्सीजन मिलेंगी तो इनका विकास भी इसी तरह काफी तेज होगा।